हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसका जो है यहाँ पे जॉब रिलीज हुई है रेलवे के थ्रू, ठीक है। तो साउथर्न में ये जो है इसका रेलवे जो है इसके थ्रू, मतलब साउथर्न रेलवे इंस्टीट्यूट में आपको जो है जॉब रिलीज़ कर दी गई। तो इस जॉब को कैसे किस तरीके से अप्लाई करना है मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो कैसे किस तरीके से, मतलब इस चीज़ के बारे में पहले आपको जानना, मतलब इसके बारे में इंट्रोडक्शन बता दूंगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा रास्ता आपको जो है क्या करने, उस रास्ते पर चलना है, किस तरीके से क्या करने पड़ेंगे। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज का लिंक दे रखा, तो आपको ओपन करना है तो यहाँ पर साउथर्न रेलवे का देख सकते हैं कि जो जॉब है रिलीज़ हुई है। यहाँ पर हेडक्वार्टर ऑफिस देख सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर आपको जो है ब्रांच है, चेन्नई में है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं। COVID-19 भी यहाँ पर क्या क्या लिखा है, इंगेजमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स पर यहाँ पर जो होता है यहाँ पर देख सकते हैं। इन व्यू ऑफ द इंजन एक्सीडेंस ऑफ रिलेटेड विद द COVID-19 पैंडमिक, साउथर्न यहाँ पर जो रेलवे है हेड क्वार्टर रिक्वायरमेंट इमिडिएटली फॉर फॉलोइंग, यहाँ पर मतलब क्यों चाहिए, किस तरीके से क्या करने पड़ेंगे, क्यों किधर पर, मतलब कैसे किस तरीके से जो क्या करने हैं, हॉस्पिटल मैनेजिंग COVID-19 और कॉन्ट्रास्ट बेसिस फॉर दी पीरियडिंग ऑफ 19 यहाँ पर देख सकते हैं। डिटेल्स ऑफ दी पोस्ट, ठीक है। तो डिटेल्स यहाँ पर पोस्ट का बताया गया है। तो पोस्ट यहाँ पर क्या है पहले देख लीजिए। नेम ऑफ दी पोस्ट नर्सिंग सुप्रीडेंट, ठीक है। तो ये पोस्ट है आपके लिए, ठीक है। तो ये जॉब जो है एक जॉब है, एक बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर दो है, तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवा आठवा नौवा आठवा था, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर आप जो है फर्स्ट वाला है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 83, ठीक है, 83 है। मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है, ठीक है। मंथली रिक्रूटमेंट जो यहाँ पर देख सकते हैं 44,900, लेवल 7th पे आपको मिलेगा, 7 लेवल पर आएंगे तो इतना। फिर यहाँ पर देख सकते हैं प्लस BA एंड अदर अलाउंस एडमिनल, ठीक है। यहाँ पर आप फिर सेकंड का जो है देख सकते हैं, यहाँ पर पोस्ट वैकेंसी यहाँ पर एक ही है, और C1 यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड जो है C1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी सैलरी आपकी रहेगी। फिर उस हिसाब से धीरे धीरे आपकी जो यहाँ पर EG यहाँ पर ECG यहाँ पर टेक्नीशियन का यहाँ पर 4th रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर 48 जो हॉस्पिटल असिस्टेंट का यहाँ पर 48 वैकेंसीज यहाँ पर जो है चाहिए। और फिर यहाँ पर हाउस कीपिंग असिस्टेंट्स का जो होते हैं 40 वैकेंसीज यहाँ पर 18,000 तक की सैलरी लेवल फर्स्ट से ही, ठीक है। फिर आगे जाएंगे तो और बड़ा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैब असिस्टेंट्स का जो है 21,000 लेवल 3 से, इस तरीके से बता सकता हूँ। अब आगे जाते हैं, यहाँ पर एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर नर्सिंग सुपीरियर के लिए यहाँ पर पहले क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। 3 ईयर्स का जो आपका क्या लिखा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए रजिस्टर्ड नर्स का, ठीक है। मिडवाइफ हैविंग अ पास 3 ईयर्स का जो आपने कोर्स किया वो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम स्कूल से, या फिर नर्सिंग का जो नर्सिंग का होता है स्कूल से किया हुआ है, ठीक है। अदर इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल ऑफ BSc नर्सिंग जो होता है, या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, वो भी ट्रेंड होने हुए रहना चाहिए आप, ठीक है। आपको आना चाहिए सब कुछ। ICU जो होता है और डायलिसिस होता है यूनिट देखने हैं, सब कुछ मतलब बताया गया यहाँ पर इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर एज लिमिट बताया गया यहाँ पर इस तरीके से आपको जो दूसरा वहाँ पर देखना है। एज लिमिट बताया गया 20 ईयर से लेकर के 40 ईयर तक का यहाँ पर एज लिमिट बताया गया ज़्यादा से ज़्यादा। फिर ऐसे आपको सेकंड का भी इसी तरीके से चेक करना है कितनी होनी चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, ठीक है। फिर और नीचे आते हैं, यहाँ पर नोट देख लेते हैं, यानी कि कुछ नोटिस बताई गई है तो नोटिस ज़रूर पढ़ लीजिए एक बार कि इतने ये वाले को जो है कैटेगरी SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का जो है सिलेक्शन लिमिट आपका होना चाहिए इस तरीके से। फिर यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन आपका जो होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे आप होंगे, इंटरव्यू के थ्रू होंगे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर टर्म ऑफ कंडीशन क्या है वो पढ़ लीजिए यहाँ पर, ठीक है, बहुत बड़े टर्म ऑफ कंडीशन। ड्रेस कोड यहाँ पर एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्रूटमेंट के थ्रू आपको जो है सब कुछ यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए। मैं भी ऐसा आपको बता रहा हूँ, ठीक है, पढ़ के। यहाँ पर आप देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लिंक यहाँ पर क्या है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की लिंक है यहाँ पर इस चीज़ के लिए है, लैब असिस्टेंट्स के लिए यहाँ पर, नर्सेस के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिंक, फॉर हॉस्पिटल असिस्टेंट्स के लिए और हाउस कीपिंग जो होते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करके अप्लाई करना है। मतलब जो भी आपको जो भी पोस्ट चाहिए ना, यहाँ पर सारे यहाँ पर लिंक मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर डेट बताए गए हैं, डेट चेक कर लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है।
तो एक एग्जांपल के तौर पर मैं ओपन करके दिखाता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे असिस्टेंस ऑफ लाइफ का था, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ मेरे नेट के ऊपर डिपेंड करता है, अब ओपन हो गया देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जूम करता हूँ ताकि आप भी देख सकें अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं अप्लाई नहीं करूँगा बस बता रहा हूँ कि मतलब यहाँ तक अगर पहुँच जाते हैं तो क्या कैसे दिखता है, कैसे किस तरीके से। तो ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म लाइव असिस्टेंस देख सकते हैं। अब यहाँ पर पढ़ लीजिए थोड़ा सा, आपका अकाउंट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आपका नाम क्या है, अपना नाम यहाँ पर लिख लीजिए, फिर आपका फादर नेम, एज लिमिट और ये सब, सेक्स ओके ये टिक कर रहे हैं यहाँ पर, मेल फीमेल जो भी है, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको जो टाइप कर लेना, एज लिमिट क्या है अपना एज लिमिट, कम्युनिटी चूज़ कर लीजिए, पर्सनल डिसेबिलिटी कुछ है, नेशनलिटी आपकी क्या है, ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ पर फिल कर रहे हैं, इस तरीके से फिल करते रहना है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बार अपलोड प्रूफ डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे, एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस पे जो रहेगा वो, ठीक है। ऐड फाइल करता हूँ अगर मैं, तो सेलेक्ट, हाँ डिवाइस से सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास है फ़ोटो देख सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास है, तो मैं यहाँ पर अपलोड कर दिया, ठीक है। ऐड मोर फाइल, क्वालिफिकेशंस का चाहिए, तो मेरे पास क्वालिफिकेशन का भी है पर मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पे ड्राइव में रखे हैं आपके पास कहाँ पे है, तो उसके हिसाब से आपको जो अपलोड करनी होती है, ठीक है। फिर आप पर नीचे आते हैं तो डिटेल्स ऑफ रिव्यूज का, यहाँ पे अपलोड प्रूफ एंड एक्सपीरियंस आपको जो है उस चीज़ का तो बताना ही पड़ेगा ना कि एक्सपीरियंस है, तो मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा एक्सपीरियंस आपको, तो इस तरफ के मतलब आपको आपको जो प्रूफ दिखाने पड़ते तो वो अपलोड करना पड़ता है। अपलोड प्रूफ सब पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आप यहाँ पर अपलोड कर लीजिए, ठीक है, मेरे पास कंप्यूटर में मेरे डिवाइस में है मेरी फ़ोटो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैक्सिमम बताया गया साइज आपको, उसे मैं अपलोड करके दिखाता हूँ, सॉरी यहाँ पर जहाँ हो गया अपलोड पे क्लिक किया, ये नेट आपका लेगा थोड़ा सा, हो गया अपलोड हो चुका। तो इस तरीके से आपको करना है, फिर सबमिट पे क्लिक करना है, आपका सबमिट हो जाएगा, ओके। तो अगर आपको डाउट होता है डेफिनेटली कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसे ही वीडियो फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर प्लेलिस्ट मेरा चेक कर लीजिए वहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।